दही और आलू पराठा। ओए होए 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 मजा ही आ गया आज तो। और दही में डालेंगे काला नमक। ओए होए 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 मजा ही। फिल्म देखने चलोगे? हाँ फिल्म भी नहीं देखा। क्या जिंदगी फिल्म बनी हुई है आपके? फिल्म देखने जाओ। आपकी फिल्म बनी हुई है? आपकी फिल्म बनी हुई है? यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ लैपटॉप है। ठीक है, आज से पहले मैं जब कभी भी अपनी ट्रिप पर जाता था, फिर चाहे वो एक महीने के लिए हो या फिर 15 दिन के लिए, उसकी तैयारी मैं कुछ इस तरह से करता था। हाँ जी राहुल भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हाँ हेलो तुषार, क्या हाल चाल? हाँ हेलो गौतम, क्या हाल है? एक्चुअली यार मैं ना एक महीने के लिए घूमने जा रहा था पहाड़ों पे, तो मुझे आपका पावर बैंक चाहिए था। मिल जाएगा? अरे भाई थैंक यू यार। एक्चुअली यार मैं ना एक महीने के लिए घूमने जा रहा था पहाड़ों पे, तो मेरे को तेरा पावर बैंक चाहिए था। मिल जाएगा क्या? अरे वाह थैंक यू यार। कितने एमएच का है वैसे? 20,000 mAh का। वाओ यार थैंक यू। एक्चुअली यार मेरे को तेरा पावर बैंक चाहिए था, तुझे बताया था ना मैं घूमने जा रहा था एक महीने के लिए। हाँ थैंक यू ब्रो। कितने एमएच का है वो? 10,000 mAh। वाओ यार। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पावर बैंक इकट्ठे करते हैं या क्या चक्कर है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास खुद के 2 पावर बैंक है और मैं दोस्तों से लेता हूँ 3 पावर बैंक, टोटल 5 पावर बैंक हो गए। मैं ये 5 पावर बैंक अपने साथ ट्रिप पर लेके जाता हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैं जब कभी भी ट्रिप पर जाता हूँ, कोई ऐसी जगह चूज करता हूँ जो पहाड़ों पे काफी पीक पे होती है, काफी ऊपर होती है, और वहां पर बिजली का नामो निशान नहीं होता। कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ कैंप्स होते हैं जहां पर बिजली होती है, वो शाम को सिर्फ 6 बजे से लेकर रात के 11 या 12 बजे तक चलती है, और वो बिजली की खंभे से नहीं चलती, उनके पास जनरेटर होते हैं छोटे छोटे, वो उससे यूज करते हैं। तो वैसे भी मैं सोलो कैंप करता हूँ, खुद का कैंप साथ लेकर जाता हूँ, तो मैं ऐसी जगह चूज करता हूँ जहाँ पे मैं खुद का कैंप लगा सकूँ। वहां पे मेरे पास कोई खंभा नहीं होता, कोई इन्वर्टर नहीं होता, कोई जनरेटर नहीं होता, तो इसलिए मैं अपने साथ पावर बैंक कैरी करता हूँ जितने ज्यादा हो सके। और दूसरी बात, मुझे अपने फोन में हर चीज कैप्चर करनी होती है, हर मोमेंट कैप्चर करना होता है, सनराइज सनसेट हर चीज कैप्चर करनी होती है, तो मेरे फोन की बैटरी वहां पर जल्दी ड्रेन होती है। और डेफिनेटली सी बात है, अगर आप पीक पे होते हो, ठंड काफी ज्यादा होती है, तो आपकी जो बैटरी होती है वो जल्दी खत्म होने लगती है। तो इसीलिए मैं अपने साथ 5 पावर बैंक कैरी करता हूँ ताकि मेरे को व्लॉगिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। जितना मर्जी फोन चार्ज करूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे पास 5 पावर बैंक होते हैं। और जितना हो सकता है कि मैं अपने फोन को चार्ज कहीं पर जाकर होटल में करता हूँ या कहीं ऐसी जगह जहां पर मेरे को बिजली मिल जाती है, जिससे मेरे पावर बैंक बच भी जाते हैं और मेरे कुछ दिन आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास खुद के 2 पावर बैंक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को दोस्तों से कैरी करना पड़ता है, क्योंकि मेरा ट्रिप काफी लंबा होता है और जितने पावर बैंक मेरे पास होंगे उतना मैं फोन को चार्ज कर सकता हूँ, मैं किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहता। और रही बात अब की, मैंने एक नया पावर बैंक ले लिया है फाइनली, दिखाता हूँ आपको कौन सा है। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ लैपटॉप है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया? ये तो पड़ा था, ये रहा, मिल गया फाइनली। तो करते हैं ओपनिंग हमारे नए पावर बैंक की, जो कि है बोट कंपनी का। ये आया हुए तो इसको 10-12 दिन हो चुके, लेकिन ओपनिंग मैं इसकी आज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा इसकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे भाई। एक्चुअली मैं था दिल्ली में, तो मेरे को भाई का कॉल आता है कि तुझे पावर बैंक चाहिए। मैंने कहा भाई चाहिए चाहिए, फटाफट से दे मेरे को। मैंने कहा कितने एमएच का है वगैरह? 20,000 mAh का। मैं कौन सी कंपनी का है वगैरह? बोट का। मैंने कहा फटाफट से ऑर्डर कर दे। तो ये आ गया हमारा बोट का। कलर काफी अच्छा है इसका, देख लो, थोड़ा ब्लूइश में है, तो मुझे पसंद आया। ये 20,000 mAh का है पावर बैंक, ये देख लो। चार्ज करके देखा नहीं मैंने, होता है या नहीं, होएगा ही, नया पावर बैंक है, क्या ही होगा। अब मेरे को पावर बैंक की किसी से मांगने की जरूरत है, लेकिन 1 या 2, वैसे तो मेरा इससे भी काम चल जाएगा, 2 ऑलरेडी मेरे पास है, बट एक ये हो गया। लेकिन फिर भी कई बारी ज़्यादा लंबा ट्रिप होता है तो फिर अपन और भी ले सकते हैं किसी से। तो आज फाइनली अपने पास 20,000 mAh का आ गया। इसमें है वायर दे रखी है चार्ज करने के लिए, और इसको ये क्या दे रखा है भाई, ये QR कोड है इसका, ये बाकी कुछ पर्चियाँ हैं इसकी, ये इसके साथ वायर है, चार्ज करके देखते हैं होता है नहीं। ये अपन को चार्ज करते हैं, अपने इस पर लगाते हैं पहले वायर, चार्ज करके देखते हैं होता है नहीं। 1, 2, 3 हो गया ब्रो, हो गया, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मैं नया पावर बैंक है, ख़राब थोड़ी ना हो गया, पागल थोड़ी है कंपनी वाले। मेरे पास बोट कंपनी के ही ईयरबड्स हैं, और आज बोट कंपनी का पावर बैंक भी आ गया अपने पास। इसकी जो लाइट है वो यहाँ पे आती है साइड पे,
तीन डॉट्स, ये देखो चार्ज होता है कितने बताए गए। चलो वापिस से पैक कर देते हैं अब इसको, जब जाएंगे तब यूज करेंगे, अभी तो जरूरत है नहीं इसकी। मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरी जान भी ले जा, मुझे भी ले जा। बहुत पावर बैंक खेली, अब टाइम हो गया मंदिर जाने का, 4:45 हो गए, मंदिर आ गया मैं अब। चलो बाय, पैरी पोना शक्ति दो मेरे को, आज लेग्स वर्कआउट है, जिम में कर दूं मैं तमाल। ठंड लगती है 24 घंटे, ठंड लगती है आपको। कर दिया बंद बस। तो भाई फाइनली 6:30 हो चुके हैं और जिम के लिए निकल चुका हूँ घर से, दादी से आशीर्वाद लेके। आज लेग्स वर्कआउट है, ज़्यादा जान चाहिए होती है ना, क्या कर रहा हूँ। लेग्स वर्कआउट में तो मज़ा आता है अपने को, लोगों को लगता है कि लेग्स वर्कआउट करके मज़ा नहीं आता, लोग डरते हैं लेग्स वर्कआउट करने से, लेकिन अपने को लेग्स वर्कआउट करने में मज़ा आता है। लेग्स वर्कआउट का जो नशा है ना वो हम समझ सकते हैं। वैसे यार दिक्कत है क्या तुमको, लेग्स वर्कआउट करते क्यों नहीं हो तुम, ये बताओ मेरे को। चेस्ट तो बैक तो कर लेते हो लेकिन लेग्स वर्कआउट करते ही नहीं हो तुम। तो रेडी है यहाँ पर हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, हमेशा की तरह सोया पनीर एज अ प्रोटीन सोर्स और 2 किलो एज अ कार्ब सोर्स। आज का वर्कआउट फाइनली हो गया लेग्स का, अब फिर 4 दिन बाद निपटेंगे लेग्स से। हे गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। नया दिन चढ़ चुका है भाई, संडे, आज संडे वाली फील आ रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करके मैं कहीं जा नहीं रहा, गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा इसको वहां पे लगा रहा हूं ताकि कार धुल सके। भाई अभी कार धोएगा वो प्रेशर चला के, उसने जाना है मूवी देखने के लिए और भाभी भी जाएंगे साथ, भाभी की फैमिली भी है, लेकिन मैं नहीं जा रहा, तो मैं दोबारा जाऊंगा। वो फाइटर मूवी देखने जा रहा था, मुझे फाइटर मूवी देखनी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है फाइटर मूवी, तो मैं क्रैक मूवी देखने जाऊंगा जो विद्युत जामवाल की आई है ना। तो आज संडे है, स्पेशली अपन ने आलू के पराठे बनवाए हैं, वही खाएंगे नाश्ते में। अभी मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया था, वो कहीं जा रहा था वॉशिंग करवाने के लिए कार का, और उसको ना कहीं जगह मिल नहीं रही थी, सारी जगह फुल थी। मैंने कहा तू मेरे घर लेके आ एक मिनट के लिए, मैं प्रेशर खोला हुआ है, प्रेशर चलाऊंगा, एक मिनट लगता है गाड़ी साफ करने में, भाई इतना पैसा क्यों लगाया हमने। तो भाई वो मेरी वाली कार तो धुल चुकी है, वो सामने दोस्त की कार धुल रही है, वो भी देख रहा है भाई क्या बवाल चीज मंगा रखे हो भाई। ये करके फिर अपन चलते हैं अंदर नाश्ता करने, बहुत भूख लग रही है भाई। दही और आलू पराठा, ओए होए 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 होए, मजा ही आ गया आज तो। और दही में डालेंगे काला नमक, ओए होए 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 होए, मजा ही। मैं रोज पपीता और ऑरेंज जूस पी के थक गया था, लेकिन आज जिंदगी के मजे आ गए हैं। अम्मी और मेरी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिसाइड पहले से था, 3-4 दिनों से पहले से डिसाइड किया हुआ था कि संडे को बनाएंगे आलू के पराठे, मेरी ख्वाहिश पे। हाँ लेकिन पराठे भाभी ने बनाए हैं और आलू आपने उबाले हैं। हाँ आलू मम्मी ने उबाले हैं, पराठे भाभी ने बनाए हैं, तो माँ और भाभी के हाथों का स्वाद आ गया भाई। संडे को हाथ में भाभी आती है, कहते हैं संडे को फ्री होते हैं ना, अभी स्कूल जाते नहीं है। हाँ चलोगे मूवी देखने चलोगे, फिल्म देखने चलोगे? हाँ फिल्म भी नहीं देखा। क्या जिंदगी फिल्म बनी हुई है आपके, फिल्म देखने जाओ? आपकी फिल्म बनी हुई है? हाँ आपकी फिल्म बनी हुई है, चलो फिल्म दिखाता हूँ आपको घुमाना। तू बेटा देख, मैं नहीं जा रहा, भैया जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। एक एक फ्लैक्स हो जाए क्या, ठीक है पहले ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है चलो बंद कर दो। आज संडे है, थोड़ा सा लग नहीं रहा कि संडे है, क्योंकि कहीं बाहर घूमने नहीं ना गया, वरना हर संडे बाहर ही होता हूँ। अब ये सारे कपड़े उतार रहे हैं जो धोए हैं आज, इतने सारे, क्या करेंगे, घर का काम करना पड़ता है भाई। शाम के 5:30 हो चुके हैं और मंदिर से दर्शन कर लिए हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। आज लेट आया था मंदिर में क्योंकि पापा के साथ गया था मैं फ्रूट लेने के लिए, तो वहाँ पर टाइम लग गया। बाकी दर्शन बढ़िया हो गए ठाकुर जी के, दिन सफल हो गया अपना, आज का संडे भी बीत गया, कल से फिर मंडे, वही रूटीन वापस से शुरू, चेस्ट राई बैक बाई वही वर्कआउट वाली उसी। तो फाइनली आज का दिन भी बीत गया, चला गया संडे, कल फिर मंडे, वही दिन वही रूटीन। तो भैया मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस ब्लॉग को पूरा देखा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई पार्ट आपको अच्छा लगा तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, गुड नाइट, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नींद आ रही है बहुत, इस व्लॉग को फटाफट से एडिट करके सेव करके सो जाऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट।